तो गाय गेहूं को जमा करने में और तैयारी करवाने में सुबह से शाम हो गया और टोटल गेहूं 12 क्विंटल हुआ और काम करके मेरा बुरा हाल हो गया। तो हाय एवरीवन, मेरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज गेहूं को थ्रेसर से करवाने जा रहा हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ थ्रेसर आ चुका है, ट्रैक्टर मतलब थ्रेसर लेके आ चुका है। यह मतलब कि गेहूँ जो जमा करने में कम से कम 3-4 घंटा लग गया दोस्तों, और इतना कड़क धूप में जमा किया कि ऐसा लगता है कि तबीयत ख़राब हो जाएगा दोस्तों। फिलहाल बहुत फोन करने के बाद ट्रैक्टर आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रैक्टर सेटिंग कर रहा है, ये जो देख रहे हैं ये ट्रैक्टर का मालिक है, मतलब यही ट्रैक्टर का ऑनर है। दोस्तों आप इधर देख सकते हैं गेहूँ जमा है, दोस्तों उधर देखिए ये पानी पी रहा है। टोटल ये लोग 3 लोग हैं दोस्तों, और इतना धूप है कि बोलने का बात नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम कड़क धूप है दोस्तों। आप लोग जानते हैं अभी बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख के महीना में कितना धूप होता है दोस्तों। इतना धूप है कि मैं गमछा देखो सर पे ले लिया हूँ दोस्तों। पानी पीने के बाद जस्ट गेहूँ की तैयारी हो गई दोस्तों। देखिए दोस्तों गेहूँ पे आ रहा है दोस्तों, वो देखिए वो जो आंवला है वही देखो गेहूँ को मशीन में भर रहा है दोस्तों। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्यों थक गया हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक गेहूँ पेराते पेराते रात हो गया दोस्तों। हमने गेहूँ को धोने में बहुत समय लग गया, क्योंकि शाम तक मैं गेहूँ पेराया हुआ तो हम सुबह फिर लाए। तो दोस्तों टोटल 12 क्विंटल हुआ गेहूँ दोस्तों, कुल मिलाकर जितना नाप के मतलब देखा गया तो 12 क्विंटल हुआ। उधर जितना बोरा आप देख सकते हैं, और इधर इसको बाइक से ढोना पड़ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप भी गिन लीजिए देखिए कितना बोरा है दोस्तों। और फिर ढोने के बाद हम भूसा को जमा करने के लिए चला गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।